अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइक्रोवेव ओवन को कैसे रिपेयर करते हैं इसका तरीका बताऊंगा। ये हमारे पास एक पेल का ओवन है जिसकी जो मोटर है वो काम नहीं कर रही। ये देखें, अब हम इस मोटर को खोलेंगे और इसको चेक करेंगे आया ये फॉल्टी है। डिजिटल मीटर की मदद से हमने चेक किया है, मोटर हमारी ओके है। अब हम इस ओवन को खोलेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ताकि प्रॉब्लम को एरेडिकेट किया जा सके। स्क्रू खोलने के बाद इसका अपर कवर जो है वो हमने उतार लेना है। ये देखें, वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। ये हमने चेक किया है तो इसका जो इंटरनल फैन है वो काम नहीं कर रहा, इसी की वजह से जो ओवन की मोटर है वो भी वर्क नहीं कर रही। ये हमने कनेक्शन चेक किए हैं इसके और अब हम इसके जो कनेक्शन है वायर्स के वो उतार रहे हैं ताकि इस फैन के कनेक्शंस को रिपेयर किया जा सके। ये यहाँ से वायर जो है इसकी ब्रेक हो गई है। अब हम इस वायर को रीसोल्ड कर देंगे। सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम वायर को सोल्डर कर रहे हैं। वायर को हमने प्रॉपरली सोल्ड करना है। ये हमने वायर को सोल्ड कर लिया है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। हमारे जो फैन के कनेक्शन है वो बिल्कुल ओके हैं और अब हम इस ओवन को टेस्ट करेंगे।
अब हमारा ओके हो गया है और उसकी इंटरनल मोटर भी जो है वो काम करने लग गई है। इफ यू लाइक माई वीडियो लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।